हेलो एवरीवन, देख सकते हो भाई का मिलेरी है। और अभी आगे एक मंदिर है ना, मंदिर में जाएंगे और वहाँ परमात्मा देखेंगे। चलो आप इस मंदिर में मिलते हैं। ओके आए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? वही परू, यहाँ पर देखो ये परू है। परू हाय करो सभी को। हेलो आराम से लगी। ये परू अभी गिर गई थी और अभी मैं जा रहा हूँ। हम दौड़ जाएंगे वहाँ से, बाइक लाएंगे। बाय परू, बाय। और देखो मैंने 2 मिनट भी ले लिए हैं। अभी हम बस में जाएंगे क्योंकि मौसम ख़राब है और आते टाइम तो बाइक लानी ही पड़ेगी फिर। तो फिर इसीलिए जा रहे हैं। और अभी मैं घर से निकला। हाँ जी कुत्ता। और देख सकते हो ये है, हमने ना, मेरे पास 2 हेलमेट थे, मैंने इसमें डाल लिए। और ये है छाता। अब जब मैं घर से निकला उस टाइम बारिश लग पड़ी थी ना, तो फिर छाता तो मैंने लिया नहीं, इसके पास था। और ये है मेरा 402 का रास्ता, यहीं से मैं डेली 402 जाता हूँ। और हम गड़ुआम से बस लेंगे अब, गड़ुआम तक पैदल। हमने रजत को भी बोला चढ़ने के लिए, योगेश को भी बोला, लेकिन कोई नहीं चला। और भाई तो मैं बोल दिया, मैं तो नहीं बोल दिया। इसने बस योगेश से बात की और मैंने रजत से पूछा, लेकिन पे नहीं चला। और देख सकते हो आज का मौसम कितना ख़राब है। और इसी मौसम में इसने बाइक लेनी है, पता नहीं कैसे वापस आएंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट करना। ओ क्या नज़ारा। और देख सकते हो नीचे कंजान है, लेकिन धुंध पड़ी है तो अच्छे से दिख नहीं रहा है। और हम पहुंच चुके हैं और वो सामने देख सकते हो होटल व्यू वैली है। एक मिनट जूम करके दिखाता हूँ, क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पर होटल व्यू वैली है। और हम यहाँ से शॉर्टकट नीचे साइड जाएंगे और हम गलूम में पहुंच चुके हैं। और वहाँ से हम बस लेंगे और जाएंगे हमीरपुर, और हमीरपुर से अलग बस लेनी पड़ेगी। तो चलो फिर चलते हैं। हेलो गाइस, और हम गड़ुआम में पहुंच चुके हैं। देख सकते हो यह गड़ुआम, और अक्सर हम यहाँ पर बैठा करते थे। और बस आ चुकी है तो हम बस में मिलेंगे अब। चलो ठीक है, बस के पास, बस में। हेलो एवरीवन, और हम अभी गड़ुआम में ही हैं। और बारिश लग पड़ी लेकिन बस नहीं आई। हमें ऐसा लगा कि बस आई, लेकिन ट्रक था मेरे पास, छाता है तो मैं हमारा छाता वाटर प्रूफ है, देख सकते हो। छाते को कोई फर्क नहीं। मैं नहीं मानता। हेलो एवरीवन, और हम बस में बैठ चुके हैं। अब मैं ज़्यादा जोर से बोल नहीं सकता, तो देख सकते हो ये मियाँ। और एवरीवन, हम हमीरपुर पहुँच चुके हैं और मेरा मन बहुत ज़्यादा बस में ख़राब हो चुका है। और अभी हम यहाँ आए हैं रेस्टोरेंट में। हमने सुबह खाना नहीं खाया था तो अभी परांठा खाएंगे। और देख सकते हो ये है मियाँ, देखो कितने, एक नहीं का पैकेट खा लिया, एक और है, तीसरा परांठा है। और ये है मेरी प्लेट और ये है इसकी। हम परांठे खा रहे हैं, बाद में याद आई कि वीडियो भी बनानी है। और देख सकते हो हमारे नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कैसे स्पीच दे रहे हैं। और अभी जो हमने बहुत बढ़िया ऑर्फन बच्चों को, लेडीज को, फेस्टिव सीजन। और एवरीवन, हम हमीरपुर में हैं और देख सकते हो आज बहुत ज़्यादा पुलिस है यहाँ पर, और रैली भी निकली है। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं संघ के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की। और देख सकते हो सामने हमारे देश का झंडा कितने अच्छे से लहरा रहा है हमीरपुर में आज। मतलब हवन चली कि नहीं ताली। और कितनी बहुत ज़्यादा झांकियाँ निकली हुई हैं, बड़के दौरान कल आई थी। ये हमीरपुर की हालत है। हमें बस मिल चुकी है और अभी हम जाएंगे कांगड़ा। नदौड़ नहीं जाएंगे, झूठ नहीं बोलते हम, कांगड़े तो ऐसे झूठ, पता नहीं क्या बोलते रहता है। ये बाइक है और इन भाई से हमने बाइक ली। ये भाई
और इस बंदे ने बाइक ली, काफ़ी खुश लग रहा है। अभी हम इसको लेके जाएंगे, पेमेंट सब कुछ क्लियर हो गया और डॉक्यूमेंट परसों तक आ जाएंगे। रुका, चला बाइक का रास्ता हम से। ये देख सकते हो, ये बाइक का नाम ऋषभ ठाकुर है, जो ये बाइक अशोक ठाकुर कुमार के नाम से है। अच्छा हाँ, तो इन्होंने देखो इसको अभी कुमार को बाइक की चाबी दे दी और अभी इसकी होगी अभी इनकी जिम्मेदारी। हाँ जी है ना, हाँ जी यहाँ तक की थी। हाँ जी, बाइक सेल हो चुकी है। ठीक है, ओके भाई, शाबाश। हेलो एवरीवन, देख सकते हो बाइक हमने ले ली है और अभी आगे एक मंदिर है ना, मंदिर में जाएंगे और वहाँ परमात्मा देखेंगे। चलो वहाँ फिर मंदिर में मिलते हैं। ओके गाइस, शॉट बना ले हैं कहीं नहीं, इधर आइए आप। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वो मंदिर है, यहाँ पर हमने माथा टेकना था लेकिन मंदिर बंद है। लेकिन बस है, जय श्री राम, जय हो भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। और अब आगे बढ़ते हैं घर की ओर। और ये हमारे ड्राइवर थोड़े से कच्चे भी हैं, कच्चे हैं, उम्र हो गई इसे तेल बचाई करा मिनचो। ये भगवान क्या जुल्म है। हेलो एवरीवन, तो हम बाइक ले आए, सामने बाइक खड़ी है बाहर, और अभी हम यहाँ पर अपनी दाढ़ी सेट करवाएंगे। और आज का ब्लॉग बस यहीं तक, आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब पक्का कर लेना। ओके बाय गाइज़।